क्या हो गया बेटा? चांदनी क्यों चिल्ला रही हो? चोट लग गई। चोट लग गई? कैसे लग गई है चोट? ओहो, बैठो यहाँ, देखें जरा। ओहो, मैं खेल रही थी, गिर गई, बहुत दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? चलने में भी दिक्कत हो रही क्या? ओ, जोड़ पे लगी ना तुमको बेटा, ये देखो घुटने में लग गई है जोड़ पे, इसलिए तुमको चलने में दिक्कत हो रही है। चाची, क्या पैर में भी जोड़ होते हैं? हाँ बेटा, पैर में जोड़ तो होता ही है। देखो ये दो हड्डियां है ना, ये ऊपर की और एक ये नीचे की, ये दोनों घुटने पे मिल रही है, तो जहाँ भी बेटा दो हड्डी मिलती है वहाँ जोड़ होता है ना, इसको हम जोड़ ही तो कहते हैं, ठीक है? माँ, हाँ, क्या हमारे शरीर में और भी कहीं जोड़ होते हैं? देखो अब दर्द भूल गई, पढ़ने बैठ गई। हाँ, क्यों नहीं होते? देखो हम तुमको बताते हैं, ये देखो ये जो हमारा शरीर है ना, अस्थि कंकाल जो शरीर में होता है, देखो दिख रहा है तुम लोग को? दिख रहा है बेटा, है? तो इसमें देखो कई जोड़ होते हैं। ये पेन उठा जा रहा चांदनी, हम दिखाएं तुमको इससे। ये देखो, दिख रहा है? ये देखो, ये जोड़ यहाँ पे दिखा है भुजा का, ये यहाँ पर जोड़ होता है कलाई पे, घुटने पे, जहां भी दो हड्डियां मिलती हैं आपस में वहां पर क्या होता है? जोड़ होता है, या उसको क्या कहते हैं? जोड़ संधि। हाँ, संधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि। हाँ, जोड़ या संधि कहते हैं, ठीक है? तो इस तरह की कई संधियां हमारे इस अस्थि कंकाल में पाई जाती हैं। आ गया समझ में? माँ, हाँ, क्या हमारे खोपड़ी में भी संधियां होती हैं? ये देखो, दिखाई पड़ रही तुमको खोपड़ी की हड्डियां? अलग अलग हड्डी है ना, और इसमें जो ये पतली रेखा दिखाई दे रही है ना, ये लकीर सी दिखाई दे रही धारी, ये जोड़ है। तो इस तरह से हमारी खोपड़ी की भी कई हड्डियां हो गई और उसमें ये हो गए जोड़। तो जो खोपड़ी की हड्डियां हैं वो भी कई हड्डियां होती हैं इनमें, और इसमें भी जोड़ भी होते हैं या संधि होती है, ठीक है? चाची, हाँ बेटा, हाथ तो हिल रहा है। हाँ, हाथ तो हिलता है। तुम ये कहना चाह रही हो कि हाथ की जो संधियां उनको तुम हिला डुला सकती हो। सिर की जो हड्डियां होती है वो क्यों नहीं हिलती डुलती? हाँ, ये तुमने ठीक कहा कि हाथ की तो हड्डी हिलती है लेकिन सिर की नहीं हिलती है। इसका कारण ये है बेटा कि हमारे शरीर में जो संधियां पाई जाती हैं, जो जोड़ पाए जाते हैं, वो दो तरह के होते हैं। कितनी तरह के होते हैं? दो तरह है ना। तो ये संधियां दो तरह की होती हैं, एक होती है चल संधि और दूसरी होती है अचल संधि। कौन कौन सी होती है? चल संधि और अचल संधि। तुम बताओ जरा सा क्या? हाँ, तुम बोलो। चल संधि और अचल संधि। तो अचल संधि का उदाहरण क्या हो गई? तुम्हारी ये खोपड़ी की हड्डी, जिसमें क्या होती है? गति नहीं होती है। जोड़ होते हैं, संधियां होती हैं, लेकिन गति नहीं होती है। और जो हमारी छाती की हड्डी होती है, वक्षस्थल का जो पिंजरा होता है, वो भी इसका उदाहरण है। किसका उदाहरण है? अचल संधि का। अचल संधि का, अचल संधि का क्यों है? क्योंकि इसमें क्या नहीं होती? गति नहीं। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। क्या कहा तुमने? क्या नहीं होता? गति नहीं। गति नहीं होती, इसलिए किसका उदाहरण हो गया? अचल संधि। अचल संधि का। हाँ बेटा, पसलियों की हड्डी से जो सीने का पिंजरा बनता है, उसमें हृदय और फेफड़े दोनों बड़े सुरक्षित रहते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। ये देखो चित्र में भी दिखाया गया है, ये देखो पिंजरे जैसा दिख रहा है, ये देखो ये पसलियां है ना, ये इस तरह से यहाँ पर जुड़ी हुई है, और इसने कैसे बना दिया? एक पिंजरे के जैसा बना दिया है। अब चल संधि का उदाहरण हम तुम्हें बताएं कि जैसे अब देखो ये है पेंसिल बॉक्स, इसको तुम खोलो। ये खुल गया। इसकी गति कितनी दिशा में है? ये तो एक ही दिशा में खुल रहा है। एक ही दिशा में है। अच्छा, ये तुम्हारे पीछे ये पर्स पड़ा हुआ, इसको देना, चारू को दो। हाँ, इसको खोलो तुम। चाची, इसकी दिशा भी एक ही, इसकी गति जो है वो एक ही दिशा में, ठीक है? अच्छा नीटू, इस दरवाजे को तुम खोलो जरा सा, और खोलकर हमको बताओ कि इसकी गति कितनी दिशा में हो रही है। हाँ चाची, ये भी एक ही दिशा में खुल रहा है। एक ही दिशा में खुल रहा है ना, ये तो नहीं हो रहा ना, गोल गोल घूम तो नहीं रहा है? नहीं घूम रहा है ना, एक ही दिशा में गति कर रहा है। आ जाओ, आओ। तो तुमने क्या देखा? बैठो बेटा, बताते हैं। देखो, तुमने देखा कि ये जो
तुम्हारा पेंसिल बॉक्स है ये भी एक ही दिशा में इस तरह से, ठीक है। अच्छा फिर तुमने क्या बताया, दरवाजा खोला उसकी भी गति एक ही दिशा में थी, और ये पर्स को जो पर्स को खोला तो इसकी भी गति क्या थी, एक ही दिशा में थी। तो इस तरह से कुछ हड्डियां भी हमारे इसमें पाई जाती हैं, किसमें, अस्थि कंकाल में कुछ हड्डियां ऐसी होती हैं, शरीर में कुछ अस्थियां ऐसी होती हैं जिनकी गति एक ही दिशा में होती है। इसका उदाहरण तुम लोग बता सकते हो, घुटने, हाथ की हड्डी कोहनी में जो होती है। हाँ ठीक है, कोहनी की हड्डी बिल्कुल ठीक है, कोहनी की हड्डी जो है इसकी गति भी एक ही दिशा में होती है। और कौन सी, घुटने, जो घुटने की हड्डी है इसको अगर तुम ऐसे ऐसे मोड़ते हो ऐसे, ये तो ये एक ही दिशा में इसकी गति होती है। इस चित्र में तुम देख रही हो ये नीचे के जो कोहनी की हड्डी है ये बढ़ी हुई है, इसलिए ये ऊपर के हड्डी को क्या करती है, पीछे की तरफ जाने से रोक देती है, इसलिए इसकी गति सिर्फ एक ही दिशा में होती है। तो कोहनी की हड्डी जो है और घुटने की जो हड्डी है इसकी गति क्या हुई, एक ही दिशा में होती है। तो ऐसी जो संधियां जो होती हैं जिनकी गति एक ही दिशा में होती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कब्जा संधि, क्योंकि इसमें जो गति है वो एक ही दिशा में हो रही है। अच्छा अब तुम्हें हम एक चीज और बताते हैं, ये जैसे देखो ये बॉल है, ये देखो ये बॉल है ना चांदनी, इसको जरा तुम कटोरी में चलाओ, देखो हाँ घूम रही है, कैसे घूम रही है, आसानी से बड़ी घूम रही है। अच्छा अब ये लो बेटा, ये देना कटोरी, दो इधर दो इधर दो, इसमें तुम कलछी चलाओ नीटू, देखो ये तो चारों तरफ घूम रही है, ये भी चारों तरफ घूम रही है। हाँ। आसानी से घूम रही है। हाँ। कोई दिक्कत हो रही है? नहीं नहीं हो रही है ना, सब दिशा में घूम रही है। हाँ। हर तरफ। हाँ। अच्छा बिल्कुल ठीक। अच्छा ये उठाओ जरा, ये इंस्टेंट उठाओ। हाँ अब देखो ये कलम दान है ना, अब देखो इसमें कलम है, देख रही हो, अब इस कलम को देखो हम ऐसे घुमाते, ये चारों तरफ घूम रहा है, बड़ी आसानी से घूम रहा है। हाँ। तुम देखो घुमा के देखो घूम रहा है। हाँ चाची ये तो आसानी से घूम रहा है। अच्छा अब तुम ये जो तुम्हारा भुजा है जो बाँ है उसको इस जगह से तुम घुमाओ, ऐसे घुमाओ, घूम रहा है चारों तरफ आसानी से। हाँ। है ना, उसी तरह जिस तरह से तुमने इस कटोरी में इस कलछी को घुमाया, ठीक है ना, इसको घुमाया है ना, कटोरी में कलछी को घुमाया या इस कटोरी में बॉल को डाल के घुमाया या इस कलमदान में इस कलम को घुमाया, है ना, बड़ी आसानी से घूम जाता है। उसी तरह तुम्हारी ये भुजा की जो हड्डी है ये भी बहुत आसानी से क्या होती है, घूम जाती है, चारों दिशाओं में गति करती है। ये चित्र देखो तो तुम्हें ध्यान से समझ में आएगा, ये देखो ये गड्ढा है ना, और इस गड्ढे के अंदर ये गोला जो है ये फिट है, तो ये आसानी से चारों तरफ घूम सकता है, ठीक है। उसी तरह जैसे कूल्हे में क्या होता है, उसका जो गड्ढा होता है उसमें जांग की हड्डी का गोला चारों तरफ आसानी से क्या करता है, गति करता है। तो इस तरह की जो संधि होती है जिसमें गड्ढे में एक बॉल की तरह या एक गेंद की तरह दूसरी हड्डी गति करती है, चारों तरफ घूम सकती है, तो ऐसी जो संधि होती है ना उसको हम कहते हैं गेंद गड्ढा संधि, ठीक है, समझ में आ गया तुमको। तो संधि जो हुई उसके तो पहले तो सबसे पहले तुमने ये जाना कि हमारा जो अस्थि कंकाल होता है उसमें क्या होता है, संधियां होती है, क्या होती है, संधियां। और संधियां हम किनको कहते हैं, किसको कहते हैं नीटू, हड्डियां जहाँ पे जुड़ी होती है। हाँ बिल्कुल ठीक, जहाँ पर दो हड्डियां मिलेंगी है ना, उस जोड़ को हम क्या कहते हैं, जोड़ कहेंगे या संधि कहेंगे। फिर हमने क्या देखा कि संधि के, तुम बताओ संधि के कितने प्रकार होते हैं बेटा, चल संधि और अचल संधि। चल संधि के भी कितने प्रकार हो गए तुम्हारे, दो। हाँ बिल्कुल ठीक, दो प्रकार हो गए। चांदनी कौन कौन से दो प्रकार हो गए चल संधि के, एक तो कब्जा संधि। हाँ। और दूसरी गेंद गड्ढा संधि। लेकिन ये कब्जा संधि पाई कहाँ जाती, कहाँ की है संधि जो है। हाँ हाँ बोलो, कोहनी में और घुटने में। हाँ हाँ ठीक कहा तुमने, क्या कहा, कोहनी में और घुटने में। हाँ कोहनी में और घुटने में कौन सी संधि पाई जाती है, कब्जा संधि। हाँ बिल्कुल ठीक,
और दूसरी तुमने कौन सी बताई है हमने, दूसरी संधि कौन सी होती है? चल संधि, गेंद गड्ढा संधि। बिल्कुल ठीक, गेंद और गड्ढा संधि, जो कहाँ पाई जाती है गेंद गड्ढा संधि जो होती है? कंधे पे। हाँ कंधे पे, ठीक है ठीक है, यहाँ पे भुजा में, यहाँ पे पाई जाती है गेंद गड्ढा संधि। और दूसरी ये कूल्हे की और जांग की जो हड्डी है वो भी किसका उदाहरण हो गई? गेंद गड्ढा। बिल्कुल ठीक, तो अब तुम्हें समझ में आ गया, तुम्हारा दर्द भी गायब हो गया। और देखो एक बात और है, काम हो गया, हो गया काम। अच्छा तुमको एक बात और बताओ कि अगर ये संधियां हमारी हड्डी में नहीं होती या हमारे अस्थि कंकाल में नहीं होती, हमारे शरीर में नहीं होती, तो क्या होता? हम लोग उठ नहीं सकते थे, एकदम ही नहीं हरकत कर सकते, नहीं हरकत कर सकते थे ना, फिर तुम्हारे जोड़ कैसे टूटते, है ना? तो ये संधियां जो है, ये जो जोड़ है, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है संधि, क्योंकि इन्हीं से तो हमारे शरीर में गति होती है। हम हाथ पैर को आगे पीछे सब हिलाते हैं ना, काम कर सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं। अगर ये नहीं होता तो हम तो बड़े परेशान होते, बिल्कुल कैसे रहते, यूं खड़े ऐसे।